हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आरिफ अहमद अपने चैनल बबलू टूर ब्लॉग में आपका इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं कोटमी सोनार। तो कोटमी सोनार बिलासपुर से 31 किलोमीटर की दूरी में है और ये जांजगीर चांपा जिला में पड़ता है दोस्तों। तो हम जयराम नगर के पास में ये आपको जगह मिल जाएगा। यहाँ पे मगरमच्छों का संरक्षण किया गया है और काफ़ी पॉपुलर ये जगह है और बहुत सारी जगहों से छत्तीसगढ़ से यहाँ पे लोग आते हैं। और ये रास्ते का मैंने व्यू दिखाया है कि आप बआसानी किस रास्ते से जा सकते हैं और कब वहाँ खुलता है कब बंद होता है, पूरा डिटेल इस वीडियो में दिया है मैंने। तो ये देखिए, रास्ते में इस तरीके से हमको ये जगह मिला। ये क्रोकोडाइल पार्क हम बस पहुंचने वाले हैं। ये पूरा लिखा हुआ है क्रोकोडाइल पार्क 3 किलोमीटर। तो ये जांजगीर चांपा जिला में पड़ता है। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, वहां पहुंच के आपको वीडियो दिखाते हैं दोस्तों। सारी दुकानें हैं, गन्ना रस, मगरमच्छ संरक्षण केंद्र। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं कोटमी सोनार। आगे आपको वीडियो दिखाएंगे पूरा, इसका गेट है। आइए टिकट पूछते हैं कितने का है। कितने का टिकट मिलता है भैया? 20 रुपये। और टाइमिंग क्या रहता है? सुबह 8 बजे खुलता है और शाम होते तक पूरा। शाम को कितने बजे बंद? सूर्यास्त। अच्छा, और कौन से दिन बंद रहता है हफ्ते में? सोमवार को बंद रहता है। आप कौन से पोस्ट पे यहाँ पे? मैं यहाँ वन रक्षक के पोस्ट। वन रक्षक। मगरमच्छ लोग आते हैं पास में? हाँ, बाहर आते हैं। वो कोई बुलाने वाले होंगे, है ना? हाँ। ठीक है, थैंक यू। गार्डन है बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत अच्छा अच्छा पेड़ लगा है। नारियल का पेड़ दिख रहा है और इधर गार्डन है पूरा। ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं। अभी घुस के देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ है, कहाँ पे क्रोकोडाइल आता है। पूरा बहुत अच्छा बना हुआ है। इधर चाय कैंटीन है। फारूक भाई, पहली बार आए? पहली बार आया हूँ। कितना साल का हो गया लगभग आपको? पहली दफा आ रहा हूँ बिलासपुर की। मतलब बिलासपुर में हुए हो लेकिन यहाँ कोटमी सोनार पहली बार है। ये देखिए बच्चे लोग इधर एंजॉय कर रहे हैं, झूलने के लिए झूला, गार्डन है बैठने के लिए। वो ये अजीब टाइप का झूला है। ये देखिए, आप देखिए ये। अब इधर भी घूमेंगे थोड़ा सा बाद में, पहले ये वो देख लेते हैं कि यहाँ पे। अरे वाह, ये देखिए आराम कर रहे हैं क्रोकोडाइल, दिख रहा होगा आपको। यही कोई डाला था क्या? दिख रहा है क्रोकोडाइल, उसके मुंह में दिख रहा है। बहुत ही शानदार। हम लोग आए और दिख गया हम लोग को। बहुत डेंजर तरीके से देख रहा है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है का पूरा उधर? इसमें करीबन 360 है भैया। हाँ, 360 अब ये क्या देते हैं लोग भाई? अब मेरे को नहीं पता क्या देते हैं वो देने वाले। नंबर भी बाहर से है। हाँ, कहाँ से? मटन वटन देते हैं हम लोग। कहाँ से आप? मल्हार से। ससिनी। तो यहाँ कितने बार आ चुके हो? यहाँ मेरे करीबन 2 बार। 2 बार। तो मगरमच्छ कितने बार देखे? मैं तो दोनों बार में देखा। हाँ, दोनों बार देखा। ये वो नीचे बाहर ऐसे आते हैं? बहुत कम। हाँ, आते हैं, बुलाते हैं तो आते हैं। और पहले से ना मैं उस बार आया था ना, इसी समय में आया था। अच्छा। हाँ। क्या नाम भाई आपका? मेरा नीरज कुमार। नीरज भाई, तो कैसा है घूमने लायक? बढ़िया जगह है, बहुत अच्छी जगह। अच्छा, उधर जाने में तो नहीं देते होंगे ना अंदर? बताइए, अपना घूमो घामो, आगे घूमते हैं देखते हैं क्या है। ये कुछ लिखा हुआ देख सकते हैं आप लोग। देखो, कौवा नहीं बोलता हमारे शहर में, यहाँ कौवा बोल रहा है।
कि वातावरण यहाँ कैसा है ना, देखिए इधर नीचे गार्डन टाइप का बना हुआ, उधर से घुसो यहाँ घूमो, काम होते ही यहाँ हो जाता है बंद। उससे पहले हमको एक जगह और जाना है, झूला झूल रहे हैं सब लोग, गार्डन टाइप का बना है, कुर्सी लगी है बैठने के लिए, मगर बच्चों को खिलाना प्रतिबंधित है, मतलब आप नहीं खिला सकते, बाकी यहाँ वाले खिलाएंगे। ऊपर से देखेंगे वो चढ़ने से, है ना, ये बना हुआ है कि यहाँ से आप देख सकते हैं, ऊपर चढ़ के देखते हैं। मगर ही था सामने से, हाँ ऊपर ना, नहीं नहीं जो आ रहा है पानी में, मगर है ना, वही तो लग रहा है, तो है। जैसे दिख रहा, देखो उधर साइड में बैठा, अरे बीच में देखो पानी, हाँ हाँ दिख रहा ना, पत्थर टाइप का हल्का हल्का। इधर आया होगा तभी इन लोग यहाँ पे इकट्ठा है। बहुत बड़ा सा ये पार्क है और ये मगरमच्छ संरक्षित केंद्र है, देख सकते हैं आप लोग, मगर तो है अरे भाई। ये देखिए दोस्तों बीच में जो उभरा हुआ थोड़ा सा दिख रहा है, ये मगर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये मगर है पूरा, इसका उभरा हुआ वो। इधर गार्डन टाइप का बना हुआ है, लोग झूला झूल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर चढ़ के देखें क्या मगरमच्छ, आपको मगरमच्छ है इधर से नहीं, वो तो देख नहीं ये देखिए दोस्तों, मगर आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेटा हुआ शानदार मगरमच्छ दिख रहा है आपको, बहुत ही जबरदस्त, पुतनी सुनार इसी के लिए प्रसिद्ध है। देख रहे हैं दोस्तों ये मगरमच्छ है, कोटमी सोनार बिलासपुर छत्तीसगढ़, और ये जांजगीर चांपा ज़िला में आता है। कोटमी सोनार रेलवे स्टेशन के करीब है, बहुत बड़ा सा तालाब है, इसको मगरमच्छ के संरक्षण के लिए बना दिया है। सामने ये आ जाते हैं इधर रेत में आराम करने के लिए, और एकदम छिपकली जैसा दिखते हैं एकदम सेम इनका साइड में, पहली बार देख रहा हूँ ऐसा, और आराम कर रहे हैं इन लोग, और भी बहुत सारे यहाँ पर। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि वीडियो में मगरमच्छ नज़र आ रहा है। ये कोटमी सोनार जो है वो एक रेलवे स्टेशन भी पड़ता है, जहाँ पे आपकी लोकल ट्रेनें रुकती हैं, और वहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे ये कोटमी सोनार का पार्क मिल जाएगा आपको। आप यहाँ पे बासानी आ सकते हैं ट्रेन के माध्यम से, और बिलासपुर से अगर आप आना चाहते हैं कोटमी सोनार, तो जांजगीर चांपा रोड जो न्यू रोड बनी है आप उसमें आ सकते हैं, और वहाँ से जयराम नगर वाला जो रोड कटा हुआ है वहाँ से भी आप बासानी कोटमी सोनार आ सकते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा दूर है नहीं, 31 किलोमीटर की दूरी पे है, और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे मगरमच्छ संरक्षण किया गया है। तो आप आ करके घूम सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है, पार्क है, और मगरमच्छ देखिए इस तरीके से मुंह को खोल करके बैठा हुआ है दोस्तों। इनको खाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, और बहुत ही शानदार मगरमच्छ आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। तो आप आइए यहाँ घूमिए और इन्जॉय कीजिए, और यहाँ पे झूले भी हैं, गार्डन भी है, पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, 20 रुपये का टिकट आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों, और बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा ही तालाब है ये, और चारों तरफ जालियों से ये सिक्योर कर दिया गया है, ताकि किसी भी जो घूमने वाले लोग यहाँ पे आएंगे तो उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, मतलब सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है दोस्तों। जो सेफ्टी के लिए बनाया गया है दोस्तों वो डबल जाली है, और ये तालाब जितने एरिया में फैला हुआ है पूरे तरफ डबल जाली बनाई गई है, और ये लगभग
काफ़ी बड़े एरिया में ये तालाब फैला हुआ है जिसमें 360 से अधिक मगरमच्छ हैं यहाँ पे, और ये बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार दिखते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो आइए थोड़ा सा घूमते हैं और आगे वीडियो दिखाते हैं आपको। घूमने के लिए ये जगह है पूरा, लाइन से पैदल चलो घूमते रहो, और बैठने उठने के लिए जगह, फोटो वोटो सेशन के लिए बढ़िया जगह है। तो पहले बनाऊंगा तो ये देखिए फोटो सेशन के लिए जगह बना हुआ है। और ये उतरने के लिए सीढ़ी, लेकिन वो खाना उन्होंने जो देते हैं उन्हें उतर सकते। पानी है और ये सामने दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है। हाँ और दूर दूर में है पानी, में लगता है इन लोग डालते होंगे ना खाना, कुछ डालते होंगे। चलो आगे से आते हैं। और लो भैया चैनल में हाय बोल दो, तुम लोग भी आ रहे हो। कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो तुम लोग? अच्छा यहीं से। मैं कैफे टाइप का बना हुआ है, चारों तरफ से दिख रहा होगा आपको, पेड़ वेड़ लगा हुआ है। ये दिख रहा है बहुत बड़ा ये तालाब है, इसी में मगर लोगों को संरक्षित किया गया है। तो दोस्तों हमने इस पार्क कोटमी सोनार को घूमा, बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बेहतरीन पार्क है ये। आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और घूम सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मगरमच्छ दिख जाते हैं, पार्क है, झूला है, गार्डन है, सब चीज़ है, आप यहाँ बआसानी घूम सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो यहीं आज की वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आरिफ अहमद अपने चैनल बबलू टूर ब्लॉग में आपका इस्तकबाल करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।